ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਰਹੇਗੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬਾਤ ਲੇਕਰ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਬਠਿੰਡਾ मैं है और बठिंडा में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूदा विधायक भी है स्वरूप चंद सिंगला जी। सिंगला जी, बठिंडा की जनता एक बार फिर आपको क्यों मौका दे? बठिंडा की जनता से मैं यही चाहता हूँ मेरे को मौका दे जी, क्योंकि पिछले 10 सालों में से मैं बठिंडा में हूँ जी। 5 साल पहले 2007 में मैंने इलेक्शन लड़ा था जी, और बठिंडा की जो दुर्दशा थी, बठिंडा बहुत पछड़ा हुआ था, शुरुआत हुई जी, डेवलपमेंट शुरू हुई जी, और आज बठिंडा पिछले 10 सालों में बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहाँ हुई है जी, सड़कें बनी हैं, बुनियादी सुविधाएं मिली हैं, पीने वाले पानी की कैपेसिटी बढ़ाई है हमने, सीवरेज 50% हुआ करता, 90% आबादी को मिल चुका है, पीने वाला पानी 90% आबादी को मिल चुका है। आपका मुकाबला किससे है यहाँ पर? आज तक तो मेरे को ऐसा लगता है कांग्रेस से। तो मनप्रीत सिंह बादल के यहाँ आने से मुकाबला खड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है आपके लिए? मेरा ख्याल है ऐसा कुछ ही नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कड़ा हुआ है। राह आसान मानते हैं? मेरी राह बिल्कुल आसान है और 101% हम जीतेंगे। पिछले 10 साल से जो है शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी सरकार है, आपको नहीं लगता कि नाराज़गी है लोगों में, एंटी इनकमेंसी है, वो आपके खिलाफ भी जाएगा? वो आपको लगता है कि एंटी इनकमेंसी है? ऐसा कुछ नहीं है, एंटी इनकमेंसी बनाई हुई लोगों की है जो बातें कर रहे हैं जी। आप बठिंडा में घूम रहे हैं, बठिंडा में घूमेंगे, आप जाएंगे, बठिंडा के शहरवासी बहुत खुश हैं कि हमें जो मिला है आज़ादी के बाद जी, पहली बार ऐसा कुछ मिला है जी, पहली बार इतनी डेवलपमेंट हुई है, 10 सालों में बठिंडा का नक्शा ही चेंज हो गया, नया बठिंडा बन गया जी, और वर्ल्ड के नाम पे नक्शे पे इसका नाम आया है, हवाई अड्डा मिला है, उड़ाने जहाज चलने लगा है जी, हमें शताब्दी मिली है जी, और ऐसा यहाँ कोई इंडिया ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज भी हम जी। सिंगला जी, अगर नशे की मुद्दे की बात करें तो आपको लगता है कि नशे के नाम पर जो है राजनीति हुई है, महज राजनीति हुई है, या नशा एक समस्या है? देखिए, ये कोई दो रामा नहीं है कि नशा समस्या है, ये समस्या सारे पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, सारे पूरे वर्ल्ड की समस्या है, पंजाब की नहीं है, पंजाब की समस्या नहीं है। नशा चल रहा है और मैं करता हूँ दिल्ली में इससे भी ज़्यादा कंजम्पशन है जी। पर जैसे कंज्यूम करने की बात है, इससे भी ज़्यादा कंजम्पशन है, और जो पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, पंजाब में एक ही बात एक्स्ट्रा है कि यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय सरहद साथ लगती है, यहाँ नशा पकड़ा बहुत जाता है जी। तो उसी के रौले रप्पे में हमारी ईमानदारी को बदनाम किया गया है, और पंजाब में ऐसा आप देखिए 6 लाख लोगों का टेस्ट हुआ है और जो उसके आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक बाकी स्टेटों से पंजाब की जो क्रमशः नशे की कम है। आप कह रहे हैं कि नशा जो है सीमा पार से आता है, बाहर से आता है, पंजाब में नहीं बनता? बिल्कुल सीमा पार से आता है। देखो, यहाँ से भौगोलिक स्थिति ये ऐसी है कि एक पास पाकिस्तान की सरहद है, बीच में जो बाढ़ लगी हुई है, नो मैन लैंड है, लोग खेती करने जाते हैं, आबादी बहुत है, मतलब कनेक्शन रहता है गलत लोगों का गलत लोगों के साथ जी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है नशे की ज़्यादा स्मगलिंग इस एरिए में हो रही है। अगर पंजाब की बात की जाए, शिरोमणि अकाली बीजेपी गठजोड़ की बात की जाए, तो कितनी सीटें जो है आपको उम्मीद है कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ को मिलेंगी? सफिशेंट बहुत मत हम लेंगे, क्लियर बहुमत लगे, हैट्रिक लगेगा, हैट्रिक लगेगा, 101% हैट्रिक लगेगा। जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, कांग्रेस दो इधर कोई दो रामा नहीं है, पिछले 5-7 दिन में आप आंकड़े निकला के देखो, कांग्रेस की जो स्थिति थी वो डाउन जा रही है। मुकाबला किससे है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? ये भी हो सकता है कि मुकाबला कांग्रेस और नीचे चले जाए, तो कुछ सीटों पर जो ज़्यादा सीटों में मतलब मुकाबला आपसे हो जाए। अगर
हैट्रिक लगती है, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रकाश सिंह बादल? हमारा तय है प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री होंगे और बिल्कुल क्लियर है और हमारा फैसला भी हुआ है, पार्टी ने भी अनाउंस किया है। जी सिंगला जी, हम भी अपील कर रहे हैं, जनता से ये अपील कर रहे हैं कि 4 फरवरी को जो मतदान है उसमें सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। हम आपसे चाहेंगे कि आप भी मतदाताओं से, पंजाब की जनता से, पंजाब की बात में ये अपील करें कि सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। मैं पंजाब के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि खुल कर बाहर आए, एक एक मतदाता अपना बिना भय से मतदान करे, बड़ी गिनती में मतदान करे। जो गलत लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो नशे में उनकी भागीदारी रही है, उन लोगों का बाइकाट करें, बिल्कुल उनको मत ना दें और अच्छे उम्मीदवारों को चुनें ताकि आने वाली अच्छी सरकार। जी मीडिया से जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, नमस्कार। तो हमारी भी यही अपील है पंजाब की जनता से, पंजाब की बात में, कि 4 फरवरी को जो मतदान होने वाला है अपने मत का प्रयोग जरूर करें। पंजाब की बात में हम पूरे पंजाब से जो है सही तस्वीर आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 4 फरवरी को जो मतदान होगा उसमें सही तस्वीर आपके सामने और आप सही फैसला कर सकें। कैमरामैन जयवीर के साथ दिनेश शर्मा, जी मीडिया, बठिंडा।